नहीं नहीं चिंता ना करो, मैं मारूंगा नहीं, सब करूंगा, आखिर मैं मार तो दी। हमें बुलाया मिलने के लिए, बच्चे ही नहीं। एक जज साहब के बावजूद, एक उन्हां दी परमिशन देन दे बावजूद भी पुलिस किस तरीके नाल अपने कस्टडी विच रख सकती है। जेकर तुसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करन दे शौकीन हो ते तुसी ऑनलाइन ही गड्डी जां मोटरसाइकिल खरीदन चाह रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये खबर तुहाडे लई है। ऑनलाइन खरीदी जाण वाली गड्डी जां मोटरसाइकिल तुहाडी जान ते लई भी खतरा बन सकती है। जी हाँ, इसी तरह के एक मामला लुधियाना के विचों वेखण नूं मिलिया, जिथे एक अमित शुक्ला नामक नौजवान की वलों एक कार ऑनलाइन खरीदी जाती है, जिस तों बाद उस कार नूं बेच दिता जाता है। तो जो पुलिस के वलों उस कार नूं फड़िया जाता है तो वह कार चोरी दे निकलती है। तो इस तों बाद परिवारक मैंबरां दे दोष सी कि पुलिस के वलों अमित शुक्ला नूं थाने दे विच बुलाया जाता है ते थाने दे विच एक हफ्ते तक रखा जाता है, जिस तों बाद उसकी मौत हो जाती है। परिवारक मैंबरां दे वलों हुण पुलिस ते गंभीर दोष लगाते हुए रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तुसी भी वेखो सारी वीडियो ते मामला खुद परिवारक मैंबरां दी जुबानी सुनाउने आ। फिर ये 8 दिन तक अपने पास रखे, हम लोग को बताया नहीं ना, FIR कोचर मार्केट था। फिर उसके बाद ये एक शनिवार तक रखे, शनिवार को फिर हम लोग गए थे मिलने, 22 को हम मिलने गए थे। उन्होंने पेश कर दिया था कि पेश किए कि नहीं किए, हमें बिना बताए पेश कर दिया था उन्होंने 22 तारीख को। पुलिस वाले हम लोग को भी बुलाए, बोलते कि नहीं नहीं चिंता ना करो, मैं मारूंगा नहीं, सब करूंगा, आखिर मैं मार तो दी। हमें बुलाया मिलने के लिए, बच्चे ही नहीं, वही कोचर मार्केट के थाने में बुलाए थे, चौकी में ही। मैं बोली 8 दिन हो गए नहा के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, तो वो लोग वो भी नहीं करवाने दिए। कितने दिन थाने में रखा हुआ, चौकी में रखा? 8 दिन चौकी के अंदर, 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद भी हम लोगों को मिलाया, कोर्ट में पेश करने के बाद भी 2 दिन वो लोग रखे उसको। रिचा शर्मा भी आई थी वहाँ पे, जेल जब जज ने बोला कि आज जेल भेजो, तब भी वो लोग जेल नहीं ले गए, फिर कोचर मार्केट या जहाँ भी ले जाके चौकी में ले, थाने में मारे, पूरा मुंह से, नाक से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। जज बोले थे कि अब इनको जुडिशियल में भेज दीजिए, लेकिन वो लोग उस रात नहीं भेजे। वो एक ओएलएक्स से कार खरीदे थे, तो इन लोग वो किसी और को बेच दिए थे, तो पुलिस पकड़ी होगी तो बोली होगी ये चोरी की कार है, तो इनको बुलाया फोन करके, तो ये आए तो ये बोले कि मैंने ओएलएक्स से खरीदा है। वो आगे बंदे का ये नाम भी बताए थे कि मैंने इस बंदे से खरीदा है। तो पुलिस वाले जब भी बुलाते थे ये जाते थे, 10-15 ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी 2002 मॉडल है सर। कितने की मिलेगी? मारुति 800 थी, अब जितने की हो। साढ़े मोहल्ले दे विच एक काफ़ी रिस्पेक्टेड परसन ने, उन्होंने नाम है राजेश शुक्ला, उन्हों का एक भतीजा सेगा दीपक शुक्ला। एमाजोन तो किसी पासे उन्होंने कोई गड्डी खरीदी सी, पुरानी गड्डी, तो कितने कोई पुलिस नो डाउट जे होना करके उन्होंने, पुलिस ने इन्हों दीपक शुक्ला नो चकले करो चकन, तो मगर की किया इन्होंने कि उन्होंने पहले 7-8 दिन तक अपने कस्टडी विच रख के, जिदा कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई यह कोई रिपोर्टिंग नहीं सी, उन्होंने रख के और उन्होंने 7-8 दिन पूरा टॉर्च किया, थोड़े मोड़े कुछ डिमांड भी किए होने, जो भी तुम्हें पता ही है, जो आप नहीं भी कह सकते। तो उन्होंने की किया कि जद केस इन्होंने खराब कर लगे, जब काफ़ी मार कुटाई की, जद दीपक शुक्ला काफ़ी बीमार रहन लग गया, तो इन्हों के जेडे कार के बंदे ने, इन्होंने जाके अपने गुहार लगाई लुधियाना कोर्ट के, तो लुधियाना कोर्ट के जो गुहार लगी उस वेले जज साहब इनवॉल्व हो गए, जेडे विक्रांत साहब ने, जेडे जुडिशियल ने, उन्होंने केस न इस काफ़ी लंबा चलिया, लेकिन उन्होंने केस में एक जगह पर ले गए कि कहते हैं कि इनको जुडिशियल कस्टडी के पा दो। जुडिशियल कस्टडी के ले जाते माहौल के पुलिस प्रशासन जरा थाना नंबर 5 है, जो इंचार्ज ने हूँ रिचा शर्मा जी भी ने, जसकरण सिंह जी ने, मैं बड़ा रिस्पैक्ट करता इन्हों, क्योंकि मैं खुद नैशनल डिफेंस अकैडमी तो है, तो इन्होंने उन्होंने रखा भी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके जज ने कहा कि बई तुम इन्हों जेल भेज दो, तो जेल ना भेज के इन्होंने डायरेक्ट उन्होंने अपने चौकी बच्चे ले गए, और उन्होंने जिस भी तरीके उन्होंने मिसहैंडलिंग की, जेदे दौरान काफ़ी बुरी तरीके, मतलब जो उन्होंने परिजन दसते हैं उस हिसाब न काफ़ी ब्लीडिंग्स बाई नोज़ बाई ईयर बाई माउथ जो भी होया, करके
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਜਦੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਇਨ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਸਿਵਲ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਹਿਣ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦ ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।